नाम केसर मथारू है, मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, राइटर डायरेक्टर हूँ। सर मूवी की बात करें, किस तरह की मूवी है और आज इसका स्क्रीनिंग रखा गया है, प्रेस को रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? ये फिल्म इससे बेस्ड ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद फिल्म की है अभी। सर हाँ, मैंने काफ़ी सालों बाद ये फिल्म की है। मैंने एक फिल्म की थी लफड़ा, जो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उस फिल्म की। उसके बाद मैंने कोई फिल्म नहीं की थी, बीच में काफ़ी गैप आया। फिर अभी 2012 में एक फिल्म की मैंने, डर्टी रिलेशन नाम से, वो फिल्म का रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, तो मैंने सोचा चलो अभी एक और फिल्म की जाए। और आजकल स्मॉल बजट फिल्मों का दौर फिर से आया है, क्योंकि हाई बजट फिल्में बहुत सारी नहीं बन रही हैं, तो थिएटर में तो फिल्में चाहिए, तो वही हिसाब से अच्छे सब्जेक्ट्स स्मॉल बजट में, अच्छे सब्जेक्ट, बहुत अच्छे सब्जेक्ट बन सकते हैं, तो वही मैंने ये फिल्म। इस फिल्म में अपनी पुत्री को लॉन्च किया है, काफ़ी अच्छी सिंगर भी है। हाँ, मेरी बेटी इस फिल्म की हीरोइन है, वो एक्चुअली सिंगर है वो, और बहुत इवेंट्स करती है, ऑल ओवर वर्ल्ड इवेंट्स कर चुकी है, मीका और सुखविंदर सिंह के साथ काफ़ी इवेंट्स के, अभी इंडिपेंडेंट कर रही है, तो मुझे लगा कि वो अच्छी एक्ट्रेस भी है, तो मैंने उसको लेके ये फिल्म शुरू कर दिया। सर आजकल इस तरह की फिल्मों का कितनी मार्केट है, अगर बात करें? मार्केट तो अभी मैंने ये फिल्म रिलीज़ होने जा रही है 11 मार्च को, तो ये फिल्म जब चलेगी तो मार्केट पता चलेगा डेफिनेटली, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा वर्कआउट करेगी, ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है। टाइटल की अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे? टाइटल के बारे में, मैंने फिल्म का टाइटल डर्टी बॉस रखा, तो मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये फिल्म सेंसर बोर्ड ने टाइटल पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, फिल्म के कंटेंट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने तारीफ़ की कि ये फिल्म आपको दो पैसे दे के जाएगी, अच्छी फिल्म बनाई है। इवन देन जब मैंने इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए यूट्यूब पर डाला, तो उन्होंने इस कंटेंट को और इस टाइटल को अप्रूव नहीं किया प्रमोशन के लिए, हालांकि यूट्यूब पर है ये फिल्म, इसका ट्रेलर जो है वो अपलोड किया हुआ है, लेकिन उन्होंने प्रमोट करने के लिए मना कर दिया। मैं प्रमोट करने के लिए पैसे देने को तैयार था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये फिल्म का टाइटल चेंज कीजिए। मैं फिल्म का टाइटल कैसे चेंज करूं जब सेंसर बोर्ड ने पास किया है, सेंसर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप कैसे इसको 18 प्लस में डालिए, आप उसमें करिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आई डोंट नो, मुझे खुद समझ भी नहीं आ रहा है कि यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया कि लोग, मैंने तो ऐसा भी सुना कुछ मल्टीप्लेक्स वाले भी ये कह रहे हैं कि नहीं, डर्टी बॉस टाइटल डर्टी है, अच्छा नहीं है, तो मल्टीप्लेक्स में ये फिल्म नहीं दे सकते हो, मल्टीप्लेक्स डर्टी पिक्चर को दे सकते हो, डर्टी बॉस को नहीं दोगे, ये तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन फिर भी आप मीडिया वाले हैं, आप फिल्म देखिए और लोगों को बताइए कि ये फिल्म डर्टी है या कैसी है, अच्छी है या बुरी है, आप बताइए उनके। सर बात करें, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस फिल्म के लिए कुछ खास तबका ये वही देखेगा इस फिल्म को, जैसे टाइटल की बात है, फैमिली वाले अंदर एंट्री नहीं करेंगे कि ये एडल्ट मूवी होगी, फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख पाएंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते आप, बच्चे ले जाके, क्योंकि एडल्ट फिल्म है ये, लेकिन आप कपल जाके देख सकते हैं और 18 प्लस लोग देख ही सकते हैं इस फिल्म को, और इसमें ऐसा वल्गर कुछ भी नहीं है, कोई एक सीन भी ऐसा नहीं है इसमें वल्गर, लेकिन एडल्ट कंटेंट एडल्ट है। पोस्टर पूरी फिल्म का बयां करता है, पोस्टर की बात करें, पोस्टर देख कर लोग सिनेमा घर तक पहुंचते हैं, प्रोमो के ज़्यादा, बिल्कुल हाँ, बनाया है, बिल्कुल सेक्सी बनाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल मेरा पोस्टर ही मतलब लोगों को बताएगा कि मेरी फिल्म की कहानी क्या है। इसमें कोई ऐसा बड़ा स्टार नहीं है कि जिसका चेहरा देख के लोग कहें ये फिल्म देखनी है, तो मेरा पोस्टर बताएगा कि ये कहानी क्या है इसमें, ये देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इस तरह का कंटेंट जो देखना चाहेंगे डेफिनेटली वो आएंगे इस फिल्म देखने। रियलिटी है, रियलिटी होता है, बिल्कुल। हाँ, ये इसीलिए तो देखो, कहानी यहीं से मिलती है मुझे, इसी समाज से कहानी मिलती है, मैं कोई ये बाहर के एलियंस की कहानी तो नहीं है, तो यहीं से कहानी ली गई है, जो देखता हूँ मैं वैसे मैंने इस फिल्म में दिखाया है। अनुपम खेर या उनके भाई हैं, बहुत ही चुनिंदा फिल्में करते हैं, और काफ़ी आर्ट मूवी हो, कोई भी हो, अनुपम खेर का एक नाम है, तो आपने उनके ब्रदर को लिया है, ऐसे कुछ खास वजह? मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था, ओ नो टाइटल था उस फिल्म का, ओ नो, तो वो अनफॉर्चुनेटली फिल्म बन नहीं पाई, तो उसी दौरान मतलब मेरी मुलाकात इनसे, इनके साथ ही काम कर रहा था, तो इनको ये सब्जेक्ट मैंने सुनाया, इनको बहुत पसंद आया, बोले करना चाहिए तो सब्जेक्ट, तो मैंने डिसाइड किया चलो ये सब्जेक्ट करते हैं, और अपनी बेटी को लेके लॉन्च किया मैंने। सर
कैसी केमिस्ट्री रही खेर साहब के साथ? कमाल की, कमाल की, मतलब इज अ वंडरफुल पर्सन, बहुत मजा आया। झलक दिखती है इसमें कुछ? डेफिनेटली, वो तो उनके भाई हैं तो वो तो दिखाई देगा ही। फिल्म से क्या उम्मीदें हैं आपको? बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत ज़्यादा हैं। देखो मैंने कहते हैं ना, जब कोई फिल्म रिलीज़ करता है तो प्रे करता है, ऊपर वाले को प्रे करता है। मैंने ऊपर वाले को प्रे नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है फिल्म चलाएगा तो इस फिल्म को मीडिया जब लोगों को बताएगा तो ये चलेगी। ऊपर वाला फिल्में चलाने का काम नहीं करता तो ये तो मीडिया का काम है कि लोगों तक इस चीज़ को पहुँचाए। और ये चीज़ क्या है, अब जैसे बहुत से लोगों को बुलाया, मेरे जो पी आर ओ हैं उन्होंने बहुत से मीडिया पर्सन को बुलाया, तो कुछ मीडिया पर्सन ने ऐसा भी कहा इनको कि हम स्मॉल बजट फिल्मों को रिव्यू नहीं करते। तो ये बड़े बड़े अफसोस की बात है कि मतलब मीडिया ये ऐसा सोचे कि स्मॉल बजट जरूर स्मॉल हो सकता है लेकिन फिल्म छोटी नहीं हो सकती। फिल्म तो जो चलती है, जो लोग पसंद करते हैं वो फिल्म बड़ी होती है। स्टोरी टू, स्टोरी थ्री ऐसी फिल्में चल सकती है टाइटल से, तो आपने मैंने टाइटल से, टाइटल के अलावा फिल्म भी अच्छी थी, हेड स्टोरी या जो भी ये फिल्में चली हैं स्मॉल बजट, तो फिल्म में कुछ होगा तो ही चलती है, नहीं तो नहीं चलती। सिर्फ टाइटल थोड़ी फिल्म चलाता है। म्यूजिक की बात करें, कितना किस तरह गाने हैं या फिर? एक ही गाना है इस फिल्म में, हालांकि मेरी बेटी सिंगर है तो मुझे कई लोगों ने कहा यार एक ही गाना रखा है आपने, आपकी फिल्म में तो दो चार गाने उनके होने चाहिए थे। तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म का जो फ्लो है वो टूटता है अननेसेसरी, जब भी सॉन्ग आता है फिल्म का फ्लो टूटना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं आपके जहन में आया कि बेटी को लॉन्च कर रहे हैं पहली बार ऐसी फिल्म से, लॉन्च कर रहे हैं कि मार्केट खराब है, या फिर लोग सोचे कि नहीं सिगरेट की हीरोइन है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं आया? नहीं, सिगरेट कैसे, मैं नहीं, ऐसा नहीं लगा कि ये फिल्म जो एडल्ट मूवी है कि इसके से शुरुआत नहीं, एडल्ट एडल्ट होना, एडल्ट लड़की ने काम किया, किसी बच्चे ने काम नहीं किया। एडल्ट फिल्म में काम किया तो कोई बुराई नहीं है, जो काम है काम तो काम है, चाहे कैसा भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मैं मीडिया से स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसको टीवी पे बहुत ज़्यादा प्रमोट कर सकूँ। जो मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन अच्छी फिल्म बनी है, आप इसको लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग देखें, और आप भी देखिए, आज प्रेस शो है तो आप भी इसमें देखिए। थैंक यू।